आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार का फर्स्ट एक्सप्रेसवे यानी कि औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे के बारे में। ये एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से स्टार्ट होकर गया, नालंदा, पटना और दरभंगा होते हुए जयनगर तक बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से जीटी रोड, गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट के अलावे झारखंड बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन NHAI के द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सप्रेसवे के बनने से दो शहरों के बीच का ट्रेवल टाइम कम हो जाता है, जिससे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना था कि एक्सप्रेसवे बनाने में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, एक्सप्रेसवे तो NHAI बनाती है। ठीक है, NHAI बनाती है, लेकिन जमीन अधिग्रहण तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। यहाँ पर एक गुड न्यूज है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद के पास मदनपुर से स्टार्ट होकर मधुबनी जिले के जयनगर तक बनेगा। इस एक्सप्रेसवे को बिहार का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे झारखंड के बॉर्डर के पास औरंगाबाद के मदनपुर से स्टार्ट होकर नेपाल बॉर्डर के पास जयनगर में एंड होगी। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा और इसकी टोटल लेंथ लगभग 271 किलोमीटर होगा और इस एक्सप्रेसवे का 80% से ज्यादा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। ग्रीनफील्ड यानी कि नया रोड बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मदनपुर के पास 4 लेन हाईवे से स्टार्ट होकर गया एयरपोर्ट के बगल से क्रॉस करेगी। गया में एयरपोर्ट के साथ जीटी रोड से भी इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा। गया के बाद जहानाबाद और नालंदा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए पटना डिस्ट्रिक्ट में कच्ची दरगाह के पास NH 31 से आकर मिलेगी। कच्ची दरगाह से ही इस एक्सप्रेसवे को राजधानी पटना से कनेक्ट किया जाएगा। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल के बाद महुआ शहर के पूरब से क्रॉस करते हुए ताजपुर, फिर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद दरभंगा एयरपोर्ट को भी इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के बाद जयनगर में ये एक्सप्रेसवे एंड हो जाएगी। यानी कि इस एक्सप्रेसवे से झारखंड बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथ ही राजधानी पटना, गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट भी इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। NHAI इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करेगी और बिहार सरकार को जमीन अधिग्रहण करके NHAI को सौंपना होगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है, तो बिहार को काफी सारी उम्मीदें हैं इस एक्सप्रेसवे से। इस एक्सप्रेसवे के बनने से नेपाल को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि बिहार से नेपाल तक इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दरभंगा एयरपोर्ट का इम्पोर्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट पहले ही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्टेड है। यानी कि नॉर्थ बिहार के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से कनेक्टेड हैं, जबकि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जैसे समस्तीपुर और वैशाली भी दरभंगा एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। NHAI के नोटिफिकेशन के बाद इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम स्टार्ट होगा और अगले 4 साल में इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने का टारगेट है। इस एक्सप्रेसवे के लिए गंगा नदी में कोई भी पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन के पुल से ही ये एक्सप्रेसवे गंगा नदी को क्रॉस करेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।